हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये हवन करना चाहिए, इसीलिए ये अग्निहोत्र करना चाहिए। आप सुने होंगे भोपाल गैस कांड, जो 1984 की बात है, जब सारे लोग सो रहे थे तब अचानक रात में करीब 11 बजे एक गैस स्राव होती है, रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड, जो कीटनाशक के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसी जहरीली गैस जो कीट को मारने के लिए प्रयोग किया जाता हो, सोचो यदि वो आपके इनहेल के माध्यम से आपके श्वास प्रणाली में यदि पहुंच जाती है तो आपको किस प्रकार से वो बनाएंगे, किस प्रकार के आपके श्वास को डिस्टर्ब करेंगे, आपको वो धीरे धीरे ख़त्म कर देती। तो ऐसी ही समस्या भोपाल में हुई और उसमें करीब 13,000 की संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि इसका जो पड़ाव था, इसकी जो एरिया थी वो करीब 10 किलोमीटर में ये गैस रात के 11 बजे से ये प्रारंभ होकर 12-1 बजे तक ये पूरे 10 किलोमीटर में फैल गई। और उसके संपर्क में जो भी आए, चारों ओर हाहाकार मचे हुए, चारों ओर एक दूसरे को बचाओ बचाओ की स्थिति बनी रही। ऐसी स्थिति में दो परिवार थे उसमें, एक परिवार था कुशवाहा और दूसरा राठौर। कुशवाहा परिवार वहीं पास में ही था, थोड़े से दूर में, आज भी उनके जो परिवार है उनके घर अभी भी हैं। तो उनके परिवार को भी इस प्रकार से रात के 11:30 के आसपास घुटन महसूस हुआ। फिर थोड़े समय में उल्टियां होने लगी, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पत्नी थी, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम हवन करें, क्योंकि पहले से वो सुन रखी थी कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, हवन करने से वातावरण अच्छा बनता है, तो क्यों ना हवन करें, बाकी तो जो होना है वो होगा ही। तो ये इस प्रकार से विचार के साथ, एक संकल्प के साथ, जैसे तैसे महामृत्युंजय से ये हवन प्रारंभ किए। और आप स्वयं एक विचार कीजिए और उस समय की परिस्थिति, और वो पेपर भी आप पढ़ सकते हैं, आज भी वो इंटरनेट में मौजूद है, कि आधा घंटा हवन किए और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ घर में जो गैस आ पहुँची थी मेथिल आइसोसाइनाइड, वो धीरे धीरे वो कम होती चली गई, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उसके जो घर है वो पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो गया, पूर्ण रूप से वो औषधि वायु के सुगंध में कवर हो गया उनका घर। और वहीं से जो रेलवे स्टेशन, वहाँ राठौर परिवार रहता था, तो राठौर परिवार को भी इस प्रकार की समस्या हुई। और समस्या में उन लोगों के मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना हम हवन कर देखें, क्यों ना अग्निहोत्र कर देखें। और इस प्रकार से अग्निहोत्र उन लोगों ने भी प्रारंभ किए और उसका भी परिणाम वैसा ही हुआ कि आज भी उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। और अन्य जितने भी लोग थे, जितने भी और उनके संपर्क में आए, सभी को किन्हीं न किसी प्रकार से श्वास की समस्या, मस्तिष्क की समस्या, अन्य जो माताएं गर्भवती थी तो उनके गर्भ में ये विकृतियां आ गई, जो बच्चे उत्पन्न हुए तो विकलांग दिव्यांग पैदा हुए। तो ऐसी भयावह स्थिति, लेकिन दो परिवार जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो पूर्ण रूप से उनके एक एक सदस्य स्वस्थ थे। तो ये है यज्ञ के परिणाम, ये है यज्ञ के साइंटिफिक लाभ, कि वो कैसे जो जहरीली गैस जो कीट को मारने के लिए बनाई जा रही थी
उन गैसों को न्यूट्रलाइज कर हमको एक शुद्ध वातावरण प्रदान किए। तो ये सैनिटाइजर है ये, कि हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने का काम ये अग्निहोत्र हवन करता है। तो इन सभी दृष्टि को सामने रखते हुए और जो शास्त्रों में बात कही गई, जो आयुर्वेद में बात कही गई, जो धूम चिकित्सा की बात कही गई कि आयुर्वेदेशो यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्, कि आयुर्वेद ग्रंथ जो चरक सुश्रुत धन्वंतरी भैषज रत्नावली इत्यादि जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जड़ी बूटियों के ग्रंथ हैं, उनमें जिन औषधियों का प्रयोग जिन रोगों के शमन के लिए बताया है, सेवन के लिए बताया है, उन्हीं औषधियों को यदि हम इस अग्निहोत्र में डालते हैं, इस अंगारे में डालकर यदि हम बैठकर वहाँ पर प्राणायाम करते हैं तो उसका लाभ वैसा ही होता है और कई गुना होकर। यदि हम सामान्य देखें तो जैसे गिलोय है, गिलोय त्रिदोष शामक औषधि है, वात पित्त कफ, तो जिनके शरीर में वात पित्त कफ व्यवस्थित नहीं है, वात अत्यधिक बढ़ गए हैं, पित्त बढ़ गए हैं, कफ बढ़ गए हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जैसे हम गिलोय घनवटी लेते हैं, उसी गिलोय को हम काढ़ा बना कर लेते हैं, तो जैसे हम इन तीनों दोषों को समन करने के लिए, इनको बैलेंस बनाने के लिए हम वटी लेते हैं, हम काढ़े लेते हैं और ठीक करते हैं, वैसे ही जब हम उसी गिलोय को इस अग्निहोत्र में हविर द्रव्य के रूप में प्रयोग करते हैं, सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, उस औषधि को जब हम अंगारे में आहूत करते हैं तो उसका लाभ वैसे ही मिलता है। तो इन सभी जो सिद्धांत हैं इनको देखते हुए पतंजलि योगपीठ में श्रद्धे स्वामी जी, श्रद्धे आचार्य जी के निर्देशन में ये रोगानुसार सामग्री तैयार किए कि जिनको स्किन की समस्या है तो उनके लिए चर्मेष्टी, जो चर्म संबंधी रोग है जिसमें ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, ल्यूकोडर्मा है, लेप्रोसी जैसी समस्या है, या फंगल इन्फेक्शन है, कहीं पर भी दांत खाद खुजली हो, इचिंग होती हो, तो ऐसी स्थिति में यदि यह जो चर्मेष्टी हवन सामग्री जिसमें ये कुटज है, नीम पत्र है, अलग अलग जो और काल मेघ है, जो इस प्रकार से रोगों को समन करने का जिनके अंदर सामर्थ्य है, उन सभी औषधियों की इकट्ठा करके चर्मेष्टी हवन सामग्री बनाए गए और उसी सामग्री को जब हम हवन करते हैं, 11 आहुति, 21 आहुति, 51, 108 आहुति देकर या आहुति ना दे तो हम अंगारे में डालकर उसमें इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसका लाभ वैसा ही हमको मिलता है। तो जिनको स्किन की समस्या हो, स्किन ड्राइनेस हो, तो आप उसके धुएं को इनहेल कर सकते हैं, उसके गाढ़े धुएं को आप अपने स्किन, जहां पर भी इस प्रकार की समस्या हो तो उसके गाढ़े धुएं को आप स्किन में लगने दीजिए और उसकी जो भस्म है, एश है, उस एश को भी आप उसको छान ले, फिल्टर कर लीजिए किसी टिशू कपड़े में या छननी में, और उसको बारीक चूर्ण बनाकर उसमें आप घी मिलाकर उसको पेस्ट बनाकर, कहीं पर भी इस प्रकार से इचिंग हो रही हो या ड्राइनेस की समस्या है या स्वेलिंग है, सूजन है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी बीमारी है तो उसमें आप इस प्रकार से लेपन कर आधा घंटा से लेकर एक घंटा तक यदि रखते हैं तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। और उसी भस्म को यदि हम जल में डालकर सेवन करते हैं, कपड़े में पोटली बांधकर रात में भिगा दिए और सुबह उसको गुनगुना या फिर सामान्य ऐसे ठंडे पानी में यदि पीते हैं तो उससे भी हमारे एक एक सेल्स का शोधन हो जाता है, हमारे जो पेट है, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, किडनियां हैं, जो स्टमच है, गाल ब्लेडर है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, हमारे जो अग्नाशय हैं, पैंक्रियाज हैं, लीवर है, सब सिस्टम को व्यवस्थित करने का, प्रक्षालन करने का, धुलाई करने का काम ये भस्म करते हैं। तो इसको आप जल में डालकर भी सेवन कर सकते हैं। फिर
अगली जो बात है वो है स्नान में भी आप उपयोग ले सकते हैं। हम जो स्नान करते हैं तो रात में उस भस्म को 10 ग्राम भस्म को आप किसी एक गिलास में, एक लीटर पानी में या आधा लीटर पानी में आप भिगा कर रख दीजिए, और उसी पानी को आप सुबह जो स्नान वाले पानी उसमें आप घोल लीजिए, और उस पानी से आप स्नान करते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक जो शरीर में स्किन की समस्या है उसमें आराम मिलता है। तो इस प्रकार से हम यज्ञ के साथ साथ उनके जो एक एक अंश हैं, उनकी जो सामग्री है, उनके जो भस्म है, उन सबको हम उपयोग लेकर अपने रोग को पूर्ण रूप से शमन कर सकते हैं। फिर वैसे ही जिनको मस्तिष्क की समस्या हो, इंसोमनिया की समस्या हो, अल्जाइमर है, वर्टिगो एंजाइटी, फोबिया की समस्या हो, जिनको और इस प्रकार से डिप्रेशन, स्ट्रेस, माइग्रेन की समस्या हो, या एपिलेप्सी की समस्या हो, पैरालिसिस की समस्या हो, किसी भी प्रकार के मानसिक समस्या हो, तो ऐसी समस्याओं के निदान के लिए, उपचार के लिए पतंजलि योगपीठ के माध्यम से ये मेधेष्टि हवन सामग्री तैयार की गई है, जिसमें मस्तिष्क के लिए जो उपयोगी औषधि उनको मिलाकर, जिसमें जटामासी, संघ पुष्पी, फिर श्वेत चंदन है, वज है, ब्राह्मी है, ऐसे जो गिलोय हैं, जो श्रेष्ठ औषधियाँ जो हमारे मस्तिष्क को मालकांगनी हैं, जिनकी धुनि लेकर, जिनको हवन करके उसमें यदि हम प्राणायाम करते हैं, आधा घंटा से लेकर एक घंटा यदि हम उसमें अनुलोम विलोम करते हैं, तो ऐसा अद्भुत परिणाम आता है कि हमारे अभी विचार भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम कई ऐसे हैं जो इस प्रकार से हवन कर फिर प्राणायाम के माध्यम से उपचार नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये आश्चर्यजनक होगा। लेकिन ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि इस प्रकार से सभी रोगों के निदान के लिए अलग अलग औषधियों के जो गुणकर्म स्वभाव है उनको देखते हुए, परखते हुए जो वैद्यक होते थे वो अग्निहोत्र में डालकर, अंगारे में डालकर उसको फिर इनहेल करते थे, उसमें बैठकर प्राणायाम करते थे, गहरा श्वास भरते थे और अपने रोगों का शमन करते थे। तो ऐसे ही ये मेधेष्टि हवन सामग्री के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को हम बैलेंस बना सकते हैं। फिर जिनको हार्ट की समस्या है तो उनके लिए हृदयेष्टि हवन सामग्री जो हम क्वाथ के रूप में लेते हैं, अर्जुन की छाल है, दालचीनी है, तो उन्हीं सभी औषधियों को संग्रह कर मिलाकर, हल्दी है तो ये हृदयेष्टि बनाए। जिनको हार्ट बीट की समस्या है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, या जिनको हृदयघात, हार्ट अटैक की समस्या आती रहती है, या ट्राइग्लिसराइड की समस्या होती है, तो ऐसे लोग इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करें, 11 आहुति से प्रारंभ करके 21 जो मैंने शुरू में ही बताया, और फिर उसी में अंगारे जब बन जाए, शेष हो जाए, जो मैंने शुरू में बताया ब्रह्म अग्नि, उस अग्नि में आप उसी सामग्री को घी युक्त मिश्रित कर आप डालो, और आप आधा घंटा से लेकर एक घंटा तक आप धीरे धीरे आप प्राणायाम करो, बहुत ही जो सामान्य गति में जो बताया जाता है, तो उसमें आपको काफ़ी विश्राम मिलेगा, ये आप घर बैठे आप कर सकते हैं। फिर वैसे ही जिनको वात की समस्या हो, जिनको घुटनों की समस्या है, जिनको हम कहें ज्वाइंट पेन, शरीर के किसी भी जोड़ों में दर्द है, सियाटिका है, सर्वाइकल की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, रोमेटाइड अर्थराइटिस की समस्या है, तो इन सभी स्थितियों से निकलने के लिए ये वातेष्टि हवन सामग्री, जिसमें निर्गुंडी से लेकर चिरायता जैसी विशेष सामग्रियों को संग्रह करके ये वातेष्टि सामग्री बनाई गई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तिल तेल मिलाकर उस सामग्री से हम हवन करें और उसी सामग्री को हम धोने लें अंगारे में डालकर, और धीरे धीरे हम प्राणायाम करें, उसे में हम सूक्ष्म व्यायाम करें, तो आप स्वयं पाएंगे, अनुभव करेंगे कि आप सामान्य जो आप दवाइयां ले रहे थे या आप योगाभ्यास कर रहे थे, उस योगाभ्यास को, उस प्राणायाम को जब आप यज्ञपूर्वक करते हैं,
जब यज्ञ को आप योग पूर्वक बना देते हैं, अर्थात जब दोनों को समन्वय करके हम करते हैं, तो उसका लाभ विशेष हमको प्राप्त होता है। जिन बड़े रोगों में हमको यदि वर्षों लग जाता है, केवल योग से भी ऐसे बहुत रोग है जिसमें समय लगता है, क्योंकि इस प्रकार के उनके रोग ही हैं 10 साल 20 साल से, और केवल यज्ञ से भी वैसे थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि इसमें भी वैसे ही स्थितियां हैं। लेकिन जब दोनों जुड़ जाता है आपस में, तो जो एक वर्ष का समय जिसमें लगता था उसका काल अवधि आधा रह जाता है। 6 महीना वाला 3 महीना, 3 महीने का 1.5 महीने में आ जाता है। तो इस प्रकार से समय घट जाता है और हमको विशेष लाभ मिलता है। तो ये वातेष्टि हवन सामग्री, जिसकी धुनी लेकर, जिसके हवन से आप अपने इन सभी प्रकार के वात संबंधी, जोड़ संबंधी जो बीमारी है, रोग है, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। जिनको हो चुके हैं वो अपने आप को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, जो इंसुलिन पर है, या जिनके जो बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बन पा रहे हैं, या अत्यधिक मात्रा में बनने से हमारे जो शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और फिर वो हमारे जो मूत्र है उनके माध्यम से वो निकलता रहता है, जो स्टार्च शर्करा जो हमारे शरीर में तैयार होता है। तो ऐसे जो डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जेनेटिक हो या किसी खान पान के कारण से, हमारे रहन सहन के कारण से, टेंशन के कारण से जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो उनके लिए ये मधुइष्टि मधुमुक्ता हवन सामग्री पतंजलि योगपीठ के माध्यम से बनाई गई है, जिसमें आप घी मिलाकर उसको हवन करें, जैसे मैंने पूर्व में ही बताया, और फिर उसी से ही आप धुनी लेकर उसमें प्राणायाम करें। और जो आसन है, मंडूक आसन है, जो ये शशक आसन है, वक्रासन है, तो जो आसन है, प्राणायाम, कपालभाति है, इनको आप उसी वातावरण में, जो मेडिकेटेड एयर तैयार आपने किए हवन के माध्यम से, उस वातावरण में यदि आप प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो आपको विशेष लाभ होता है। मैंने जो शुरू में ही बताया कि जो चीज़ आप, जैसे गिलोय को ही मैंने बताया कि उसी चीज़ को आपको वटी बनाकर दे रहे हैं, उसी को फिर आपको कम समय में और अधिक लाभ करें तो आपको काढ़े बनाकर दिया जाता है। उसी चीज़ को यदि आप कम समय में और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उससे, तो आप उसको और सूक्ष्म कर दो। ठोस से आपने लिक्विड में उसको सूक्ष्म किए, लिक्विड से फिर आप उसको गैस फॉर्म में उसको सूक्ष्म करते हैं, तो जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही पावरफुल होता है, उतना ही वो कार्यशील होता है। तो जब हम उन्हीं औषधियों को हम अंगारे में डालते हैं, तो सूक्ष्म होकर हमारे श्वास के माध्यम से वो तुरंत एक एक सेल्स में सप्लाई होकर, कोई भी कहीं पर भी खिंचाव तनाव हैं, उन सभी प्रकार के खिंचाव तनाव को, उन सभी प्रकार के जो सेल्स हैं जो मर गए हैं, उनको पुनः जिंदा करने का काम ये वायु करती है। तो ये यज्ञ एक बहुत बड़ा साधन है, जो रोगी है उनके लिए एक साधन है, परंतु जो निरोगी है, जो योगी है, उनके लिए एक साधना है। तो हम इस यज्ञ को कर इस यज्ञ के माध्यम से अपने रोगों को हम दूर कर लेते हैं और दूर कर भी सकते हैं। परंतु यदि हमको साधना करनी है, हमको आंतरिक उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो ये साधना भी है। इसीलिए हम ये सारे जो मंत्र गान करते हैं, जो सारे हम अलग अलग हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुति करते हैं, ये सब उसी ओर प्रवृत्त करने के लिए हैं कि हम पूर्ण रूप से उसी परमात्मा में, इस आत्मा को हम सम्मिलित कर लें, उसमें युक्त कर दें। तो आप सभी अब योग के साथ यज्ञ साधक भी बन रहे हैं और इसका लाभ आप ले रहे हैं, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है। जब हम संस्कृति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर संस्कार आता है, और संस्कार आता है तो हम
स्वस्थ बनते हैं, हम सही दिशा में अपना समय लगाते हैं, तो सही दिशा में समय लगाना है तो अपना संस्कार को ठीक करें, और संस्कार इस यज्ञ के माध्यम से आता है क्योंकि ये संस्कृति है। तो अपनी संस्कृति से जुड़े, अपने मूल से जुड़े, अपने जड़ से जुड़े और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। तो हम एक संकल्प भी लें कि बिन बाती न दीप जले होए न देहली उजियारा, ऐसे ही बिन योग यज्ञ के होए न दुख छुटकारा। हो संकल्प योग यज्ञ का रहे न दुख से मारा, हो समृद्ध तन मन धन से ऐसा हो देश हमारा, ऐसा हो भारत हमारा। तो सभी को नमन प्रणाम। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषयैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल विषयैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है, मेरे दो ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था एक बार। हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, दो ब्लॉकेज थे, और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ एक दिन दो दिन के लिए, और तीन दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से, मेरी वाइफ के कहने पर मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना यज्ञ में आता हूँ बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है, तो आइए हम संकल्प लें संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।